अगर आप एक पॉडकास्टर हैं और आप क्रिएट करना चाहते हैं एक कैजुअल कॉन्वर्जेशनल पॉडकास्ट जहां पे आप और आपके गेस्ट दोनों ही रिलैक्स्ड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सिंपल सेटअप्स के बारे में जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं एक कैजुअल पॉडकास्ट अपने लिए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसको अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। स्वागत है आप सबका ट्राईमैक के यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ आप कर सकते हैं अपने सेटअप को सिंप्लीफाई करने के लिए और अपने इक्विपमेंट्स को कम करने के लिए, वो है कि आप यूज़ कर सकते हैं रोडकास्टर सीरीज़, जैसे कि रोडकास्टर प्रो 2 या रोडकास्टर डुओ। रोडकास्टर एक ऑल इन वन पॉडकास्ट कंसोल है जिसकी मदद से आप मल्टीपल गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं, अपने माइक्रोफोन को कनेक्ट कर सकते हैं, उनमें ऑडियो प्रोसेसिंग, एफेक्ट्स और दूसरे पॉडकास्ट फंक्शंस को एक्टिवेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। रोडकास्टर प्रो 2 और रोडकास्टर डुओ में एक बहुत ही बढ़िया फंक्शनैलिटी है जिसकी मदद से आप कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेस माइक्रोफोन्स अपने रोडकास्टर सीरीज के साथ। रोडकास्टर प्रो 2 और रोडकास्टर डुओ में आप पेयर कर सकते हैं अप टू 2 रोड सीरीज 4 वायरलेस माइक्रोफोन्स, जैसे कि रोड वायरलेस प्रो, रोड वायरलेस मी, रोड वायरलेस गो 2 एंड ब्रांड न्यू इंटरव्यू प्रो माइक्रोफोन्स को। इनको आप असाइन कर सकते हैं रोडकास्टर के अलग अलग चैनल्स पे और बड़ी आसानी से एक कैजुअल पॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आप कैसे यूज कर सकते हैं रोड वायरलेस प्रो और उसके साथ जो लैवेलियर माइक्रोफोन आता है उसको अपने पॉडकास्ट में। तो यहाँ पे स्टेप 1 है कि आपको पेयर करना है रोड वायरलेस प्रो को अपने रोडकास्टर के साथ और उसको असाइन कर देना है एक चैनल पे। उसके बाद आपको कनेक्ट करना है अपने लैपल माइक्रोफोन को ट्रांसमीटर के साथ और ट्रांसमीटर को क्लिप ऑन कर देना है अपने पॉकेट में। इसके बाद आपको क्लिप ऑन कर देना है लैपल माइक्रोफोन को अपने क्लोदिंग में और वायर को हाइड कर देना है, और इससे आप एक बहुत ही नेचुरल और कॉन्वर्जेशनल पॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने गेस्ट के साथ जहाँ पे आप और आपके गेस्ट दोनों ही रिलैक्स्ड हैं। इस सेटअप को आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप नहीं यूज़ कर सकते हैं लैपल या लैवेलियर माइक्रोफोन, आप डायरेक्टली क्लिप ऑन कर सकते हैं ट्रांसमीटर को अपने शर्ट या टी शर्ट पे और पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप क्रिएट कर रहे हैं एक इंटरव्यू टाइप का पॉडकास्ट जहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल लुक और स्टूडियो क्वालिटी का साउंड चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं रोड इंटरव्यू प्रो को, जिसमें है एक वायरलेस ट्रांसमीटर जिसको आप पेयर कर सकते हैं रोडकास्टर के साथ और आपको एक प्रोफेशनल सेटअप मिल जाएगा जहां पे आप एक हैंडल्ड माइक को यूज़ करके बड़ी आसानी से एक बहुत ही बढ़िया पॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कनेक्ट कर सकते हैं एक पेयर ऑफ हेडफोन्स अपने रोडकास्टर के साथ और अपने ऑडियो को बड़ी आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ एक प्रो टिप, अगर आप यूज़ कर रहे हैं रोड वायरलेस प्रो या इंटरव्यू प्रो को अपने पॉडकास्ट में, तब आप यूज़ कर सकते हैं गेन असिस्ट को ताकि आपके ऑडियो लेवल्स बैलेंस रहे आपके पॉडकास्ट में। लास्टली इंश्योर करिए कि जिस भी स्पेस में आप हैं वो क्वाइट हो, इंश्योर करिए कि सारे दरवाजे बंद हो और अप्लायंसेस स्विच्ड ऑफ हो ताकि उनके साउंड रिकॉर्ड ना हो। इसके अलावा डेफिनेटली यूज़ करिए कर्टन्स और रग्स जिससे आप रिवर्बरेशन को कम कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आपके कोई सवाल हैं पॉडकास्टिंग को लेके या ऑडियो को लेके जनरली भी, तब भी आप उनको मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो। और ऐसे वीडियोज़ देखने हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, मैं आपसे मिलने आऊँगा बहुत जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।